ये देखें जी, माशाल्लाह चार प्लेटें बन गए जी। ये भाई की मुबारकबाद दे देते हैं। हाँ जी, आप हमारे घर में आए हैं, वो भी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और रखे की भी मुबारकबाद। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। आपके घर में आके भी मुबारक देंगे। ठीक, इसी में बैठने वाले तो पसीनो पसीनी। ये आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी। हाँ जी। वो क्या जी, हमने जो मिस्त्री काम कर रहे हैं ना मस्जिद में, उनके लिए सालन डाल लिया डूंगे में, करनी है कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। ये हमारा सालन पक के तैयार हो गया, देख ले। तो इधर हमने ये जी, हमने जो मिस्त्री काम कर रहे हैं ना मस्जिद में, उनके लिए सालन डाल लिया डूंगे में। बेगम को याद भूल गया था वीडियो बनाने का। हाँ, ये सालन डाल लिया। अब हम खाना लेके जा रहे हैं मस्जिद में। ये रोटी है। हाँ जी, हॉट पॉट में रोटियां हैं और प्लेटें हैं। तो मैं भी उधर ही खाऊं या घर के खाऊं मैं? देख ले। चलो मैं उनके पास बैठ जाऊंगा, खाना वो खाएंगे, मैं नहीं खाता। हाँ, चले बेटा, ये लेके पहुंचे मस्जिद में। ये देखें जी, माशाल्लाह खाना जा रहा है मस्जिद में। और मैं लेके जा रहा हूँ ये डूंगा सालन वाला। गरम है बहुत, उठाना मुश्किल हो जाएगा। चलो इधर से पकड़ लिया मैंने। ये देखें जी, माशाल्लाह जी खाना आ गया बेटा। पानी वाला कूलर उठा के ले आए। तो छोड़ दें बेटा काम, नीचे आ जाएं, बस छोड़ दें। ये बाद में कर लेना, पहले खाना खा लें, बाद में करें इसको। आ जाएं, नीचे आ जाएं। तो सब बोलो बिस्मिल्लाह, मैं बाद एकम था। देखें जी, माशाल्लाह सब भाई जो हैं वो खाना खा रहे हैं। मादा में थोड़ा पीछे, ज़रा उस्ताद का फेस क्लियर होने दें। साद इमरान का, साद इमरान सालन ठीक बनाए? चलो जी माशाल्लाह। हाँ जी बच्चों, ठीक है सालन? किसी चीज़ की ज़रूरत हो बता देना, आपने शर्माना नहीं है। उस्ताद जी को भी रोटी और दें। क्यों उस्ताद जी, बहुत है? तो आप सब बहन भाइयों ने ना दुआ करनी है, जिस बहन ने ये पैसे भेजे हैं ना मस्जिद के लिए, जो काम करवा रही है, उनके लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। और हमारा और, चैनल भी सब्सक्राइब करना है। हाँ जी, वो आपका चैनल सब्सक्राइब कर लेंगी आप, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगी आप ही। तो माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी आप ही है जिन्होंने ये काम अपने ज़िम्मे लिया कि भाई मैं मस्जिद का काम करवा रही हूँ वायरिंग का। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अल्लाह ताला के ऐसे काम करवाते हैं, अल्लाह ताला के घरों के काम करवाते हैं। अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला उनके जो दुनिया से जो जा चुके हैं उनके रिश्तेदार रिज़्कार, अल्लाह ताला उनकी बेसाब बख्शिश और मगफरत फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये देखिए जी, मेहमानों में मैं मिस्त्रियों के लिए चाय और मिठाई जा रही है। हाँ जी, ये मिठाई और ये चाय साहब लेके जा रहे हैं, खाना खिला दिया उनको और साहब चाय लेके जा रहे हैं। वो गए तो वो गए। माशाल्लाह जी, सब चाय पी रहे हैं बैठे। मुंह मीठा कर लिया भैया आपने रक्षा की खुशी में? सर जी आपने भी किया, आपने दो तीन बार कर लिया माशाल्लाह। हाँ भाई ठीक है चाय? अच्छा, नहीं तो दोबारा बनवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मिस्त्री जो लगे हुए हैं मस्जिद में कारीगर, उन्होंने खाना खा लिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोटी कुछ कम हो गई थी हमारे लिए, क्योंकि रोटी जितने भी थी सारी उधर दे दी। अब बेगम रोटी बना रही है, अभी हम रोटी खाएंगे, खाना खा के फिर आपके साथ शेयर करेंगे, फिर उनको चाय वगैरह देंगे, चाय भी बन रही है। और मिस्त्रियों का मुंह भी मीठा करवाएंगे, क्योंकि मैंने रक्षा लिया गाड़ी लिया, तो फिर उसकी खुशी में उनका मुंह भी मीठा करवाएंगे। तो अब हम खाना खा लें, तो फिर आते हैं दोबारा, फिर आते हैं। दो बज चुके हैं अभी, हमने खाना नहीं खाया। दो बज चुके हैं, पहले हमने उनको खाना खिलाया था कि वो सुबह से ना लगे हुए हैं गर्मी में काम करने, तो उनको पहले खाना खिला दें, बाद में हम खाएंगे, इसलिए हमने खाना नहीं खाया। ये हम भी खाना खा रहे हैं, देर बहुत हो गई, भूख आज बहुत लगी है, बार बार के काम किए कि गैस ना चली जाए, तो इसलिए मैंने जल्दी ना खाना बनाया। रोटी भी कल ने बनाई है, सब मैंने बनाया, फिर हमारी रोटी खत्म हो गई, फिर रोटी बनाई है और अब खाना खा रहे हैं, जिस मैं बैठे खाना खा आ जाए। मिस्त्रियों के लिए रोटी पूरी हो गई, हमारे लिए काम हो गई। हाँ जी, हमारे लिए काम हो गई। माशाल्लाह जी, सब चाय पी रहे हैं बैठे। मुंह मीठा कर लिया भैया आपने रक्षा की खुशी में? सर जी आपने भी किया, आपने दो तीन बार कर लिया माशाल्लाह। अभी ठीक है चाय? नहीं तो दोबारा बनवा लें। माशाल्लाह जी, अंदर काम फाइनल हो गया, वायर वगैरह डाल लिए सारी। ये देखें, ये लाइटों के
पॉइंट हैं ये वाले, 6 लाइटें अंदर छत में हैं और 5 लाइटें दीवारों पे हैं और 3 पंखे बाहर हैं और 9 पंखे जो हैं वो हमारे अंदर हैं, जिनमें 7 पंखे लगे हुए हैं अंदर और 2 पंखे अभी नहीं हैं, कम में 2 पंखे। एक ये वाले पॉइंट पे पंखा नहीं है, इधर यहाँ पे 1 पंखा चाहिए और 1 पंखा हमें इधर चाहिए, 2 पंखे चाहिए हमें अभी। इंशाल्लाह कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा जल्दी। तो बाहर वाले जो पंखे हैं इनको अभी मैं ये वायर डलवा रहा हूँ। पर्दे वाले पर्दा कर लो। माशाल्लाह ये पंखे जो लगे हुए ना बाहर, इनके लिए ये तार लगा रहे हैं। ये वायर पड़ी है, ये लड़के ने काम शुरू कर दिया इधर। माशाल्लाह जी अंदर काम कंप्लीट हो चुका है सारा, बोर्ड वगैरह रहते हैं वो, फिर ये तार जो बची है इसको वापस करेंगे, पमैश करके फिर उसके हिसाब से फिर चलेंगे भी कितना बकाया हमारा बचता है इनके पास और बोर्ड वगैरह कितने लगते हैं, ऐसे ही ना। हाँ चलें ठीक है। माशाल्लाह जी मिठाई का दौर शुरू होने लगा, मिठाई तकसीम करने लगे हैं, पहले खिलाई भी है दोस्तों को भाइयों को, अब उनके घरों में भी देने जा रहे हैं। तो आप सब बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है, जिसने मिठाई खानी हो जल्दी आ जाएँ, जिसने भी खानी हो मिठाई। ये देखें ये डब्बा माशाल्लाह भरा हुआ है मिठाई का, फुल बटा फुल। उल्टा कोल है। क्यों उल्टा कोल है आपने? ऐसे कर लेती है। ये देखें जी माशाल्लाह लताड़ तार के मैंने भरवाया जी उसको, मैंने कहा भाई इसको लताड़ तार के भरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिठाइयाँ खावो तो दवावां देवो। हाँ जी। ये जी पाओ पाओ मिठाई हम भेज रहे हैं, 8 दाने जाते हैं जी पाओ को, मैंने तुलवाए थे वहाँ पे वजन करवाया था, तो सबके घर में एक एक पाओ देंगे जी हम इंशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह 4 प्लेटें बन गए जी, ये बलोचों की है, असलम खान और मयुद्दीन और अकरम खान और मुखलिस, वर्ल्ड ऑफ मुखलिस, इन चारों को घर देने जा रहा हूँ मैं जी। ये जा रहा हूँ मिठाई देने के लिए वर्ल्ड ऑफ मुखलिस के घर, ये हमारे रक्षे की खुशी में है जी। वैसे रक्षे पर ना जाऊँ, रक्षे भी ना जाऊँ वैसे अपनी गाड़ी आ जा, मैं और बेगम दोनों जा रहे हैं जी मिठाई तकसीम करने। तो ये देखें जी माशाल्लाह बेगम साहब आ गई है। तो यार वो ये देखें जी गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, हम जा रहे हैं जी असलम खान ब्लॉक के घर, उनके घर मिठाई देने के लिए अपनी गाड़ी पर जाएँगे। बेगम साहब अभी आ गई है। हाँ जी चलें बेगम। ये देखें जी बेगम अपनी गाड़ी में बैठ चुकी है जी, बिस्मिल्लाह करा जी मैं ठहरा जी, आज पहली बार मेरे नाल मेरी बेगम मेरी गाड़ी जी बैठी है जी। हाँ जी। हाँ जी आपने जी व्यूअर्स बताना है कि हम कैसे लग रहे हैं अपनी गाड़ी में दोनों, कैसे बेगम? हाँ जी अपनी गाड़ी का मज़ा ही आ रहा है। अपनी गाड़ी का मज़ा ही आ रहा है। हाँ जी बस जी अल्लाह ताला करम करे जी सब पर। हाँ जी जब अपनी गाड़ी होगी तो बैठेंगे। हाँ जी अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक है बेहतरीन, आप सुना कैसे हैं? तबीयत ठीक है। और हम जी मिठाई लेके आए हैं आपके लिए। ओ माशाल्लाह इस रक्षे की इस गाड़ी की। और ठीक है आ जाए मैडम इधर ही आया चले। ये देखें जी बेगम साहब भी हैं साथ, वो ऊपर खड़े हैं जी असलम साहब की फैमिली। ऊपर आना है, चलें जी। ये तो मैं नीचे आ जाती हूँ। नहीं नहीं नीचे गर्मी है, ऊपर ही सही है। ठंडी ठंडी हवा लगेगी ऊपर। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? ठीक है तबीयत ठीक है? मुबारक हो आपको अपने घर की। खैर मुबारक, खैर मुबारक। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गया। अच्छा चलो जी माशाल्लाह कैसी है? अच्छा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन गई है, अच्छी लग रही है। और देखें बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे तो खुश होंगे जी, बच्चों को खेलने के लिए ऊपर जगह मिल गई। वो देखो हैदर के, देखें जी हैदर को, नूरुद्दीन का क्या हाल है, कैसी उसकी तबीयत? ठीक है चलो माशाल्लाह अल्लाह से दे। ये देखें जी माशाल्लाह बेगम साहब मिठाई दें जी आप इधर भाभी को। ऐसे खड़े करें ना बैठे। नहीं हमने बैठना नहीं है, बैठना दीजिए ना जी। ये जी हमारे रक्षे की खुशी में जो हमारी गाड़ी आई है ना। नहीं। मैं कैसे
अभी मिठाई की मुबारकबाद दे देते हैं। हाँ जी, आप हमारे घर में आए हैं वो भी मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और रक्षक की भी मुबारकबाद। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। आपके घर में आके भी मुबारक देंगे। ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ उधर भी दें, उनको भी बुला लें। इधर ही उनके बच्चे इधर हैं, इधर हैं, उनको दे दें फिर। वो है नहीं आप वो भी उनकी भी आप ले लें। वो ये तेरी अम्मा मेहरान पकड़ो। गारिन ये बुकोस भाई की। हाँ जी, ठीक हो गया जी। ये इनके बच्चे हैं, इनके हवाले कर दे। हाँ जी, और मेहरान पकड़े इधर से। ठीक हो गया उस्ताद जी। हाँ जी, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है जी, मेरे पास वीडियो है, सबूत है मेरे पास कि हमने दे दिया है जी वर्ड ऑफ मुखलिस की लड़की को, बेटी को। ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं मिली। हाँ जी, आप इनके घर चलें जी। चला जी, घर को कलर हो रहा है, देख लें जी। ये किचन है इनका। पहले तो भाई आप देखिए मकान बनाया था। मैंने कहा था इसको दो बनाए, ये माना नहीं है, बाद में खुद ही बना लिया फिर। नहीं, मेरा मकसद ही यही था कि मैं बाद में दो बनाऊं। हां, बाद में बनाऊंगा ना, कभी बनाऊंगा, ये था कभी बनाऊंगा। असल में ये है ना, नीचे से अगर इसे लाते फिर उसका पिलर बांधते वो जो हमने किया था, बचत हो गई। हां, इन चीजों की 4 इंच की दीवार दे दी है नीचे में कर एक। चलो ठीक है, दे जी दे बच्चों को दे। जो बताएं कैसा है मेरा रक्षा, हमारी गाड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है। मिठाई खाई आपने गाड़ी की कि नहीं खाई अभी? मैंने भाई दे दी है मिठाई, आप खाएं या ना खाएं वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, वो देखें हाथ में पकड़ के खड़ी है अभी, दरवाजा खटखटाएं जी। जनाब ऐसे नहीं हम आएंगे। आप चलो, आप ही को दो वो आपकी बांटे की। हाँ, इधर आ गए हैं जी हम अकरम भाई के घर, अकरम खान ब्लॉग। पीछे पहुंच चुका है भाई, क्या हाल है? किधर गए भाई? वो तो छोड़ने गए थे अम्मी अब्बू वालों को। अच्छा, अभी तक आए नहीं है? तो हम मिठाई लेके आए अपनी गाड़ी की। माशाल्लाह। हाँ जी, हमने गाड़ी ली है। मुबारक हो भाई आपको। खैर मुबारक आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये भाई आपका हिस्सा है, भाई को बता देना कि मिठाई आ गई थी। नहीं तो वीडियो तो बन ही गई है, सबूत तो है ना, कोई देखे ना देखा, कैमरा तो देख रहा है ना। वो भी वीडियो देखता होगा, देख। हाँ जी, भाई वालों ने ना मिठाई दी। हाँ जी, कढ़ाई का भी बंदोबस्त कर रहे हैं हम। बट होटल पे, बट होटल पे आज, बट होटल पे नहीं गए हम, जूस पी के आए हैं। मेरी भाई को कढ़ाई खिलाए ना, उसने कहा मेरी कढ़ाई इसको खिलाएंगे भाई। मैंने असलम भाई को कहा, कह रहे ऐसे ना असलम भाई, मैंने बात की है ना कि भाई मुंशी को हमने कढ़ाई खिलवानी है। आज पता कि आज सिर्फ उस्ताद के बाल कटवाने के लिए गया थे, वो होटल वालों ने ना इतराज किया था कि यार आपके बाल किसी काम के नहीं है, हमें ना अच्छा नहीं लगता आप हमारे होटल में आते हैं, इतने गंदे गंदे आपके बाल हैं, लिहाजा आप कटिंग करवा के आए। मैंने कहा पहले इनकी कटिंग करवाए फिर बाट होटल पे जाएंगे। ऐसे ना झूठा ले लिया आपने रक्षे पे। कितना मजा आया? बहुत मजा आया। मिठाई भी खाई आपने? मीठी थी? अच्छा, वो हमने अच्छा वो नहीं खाई आपने? जाओ आपकी मम्मा को दे के आइए, जाओ खाओ जाके मिठाई। उनको आते गई है ना जी। माशाल्लाह, दिखाएं सामान। ये देखें जी, ये जो कोयल के बंडल जो बचे हैं ना, इसमें थोड़ी थोड़ी तार है, ये पमैश करेंगे, पमैश करके फिर इसका हिसाब करेंगे। रखें जी अपना सामान। हाँ, ये रैगजीन ना मेरे भाई गाड़ी की फाड़ना है, ये ख्याल करना। ये रैगजीन को नुकसान ना हो ये ख्याल करना आपने। मैं आपको छोड़ के आऊँ आपकी दुकान पर, फिर उधर बैठ के हिसाब वगैरह करें। हाँ हाँ, आप भी बैठें, सब बैठें। हाँ जी, मैं जाऊँ? ये देखें जी, माशाल्लाह काम तकरीबन तारा जो ना गुजर चुकी है, तकरीबन हो गया ना काम, तारें वगैरह गुजार ली हैं ऐसे ना। तो अब इनमें तार कितनी कितनी बची हुई है, ये सात नदी पड़ी है, ये भी पड़ी है, ये भी, ये तो पहल तकरीबन पड़ा है ऐसे ही। तो देखते हैं अगर तार बचती है ना फिर बाहर भी पंखे को भी लगा देनी है। ठीक है,
हाँ ये अभी खाना खा रहे हैं, देर बहुत हो गई, भूख आज बहुत लगी है, भाग भाग के काम किया कि गैस ना चली जाए, तो इसलिए मैंने जल्दी नाश्ता ना बनाया। रोटी भी कल ने बनाई है, कल मैंने बनाया, फिर हमारी रोटी खत्म हो गई, फिर रोटी बनाई है और अब खाना खा रहे हैं, जिस बैठ बैठे खाना आ जाए। मिस्त्रियों के लिए रोटी पूरी हो गई, हमारे लिए काम हो गई। हाँ जी, हमारे लिए काम हो गई, जिस बैठ बैठे खाना आ जाए जी, बस करें बेटा खाना खाए करें। ये देखिए जी, मेहमानों में मैं मिस्त्रियों के लिए चाय और मिठाई जा रही है। हाँ जी, ये मिठाई और ये चाय साहब लेके जा रहे हैं, खाना खिला दिया उनको और साहब चाय लेके जा रहे हैं। वो गए तो वो गए, माशाल्लाह जी, सब चाय पी रहे हैं बैठे। मुंह मीठा कर लिया भैया आपने रक्षा की खुशी में? साहब जी आपने भी किया, आपने दो तीन बार कर लिया माशाला। हाँ भाई ठीक है, चाय अच्छा, नहीं तो दोबारा बनवा लें। माशाल्लाह जी अंदर काम फाइनल हो गया, वायर वगैरह डाल लिए सारी। ये देखें ये लाइटों के पॉइंट हैं, ये वाले 6 लाइटें अंदर छत में हैं और 5 लाइटें दीवारों पे हैं और 3 पंखे बाहर हैं और 9 पंखे जो हैं वो हमारे अंदर हैं, जिनमें 7 पंखे लगे हुए हैं अंदर और 2 पंखे अभी नहीं हैं, कम है 2 पंखे। एक ये वाले पॉइंट पे पंखा नहीं है, इधर यहाँ पे 1 पंखा चाहिए और 1 पंखा हमें इधर चाहिए, 2 पंखे चाहिए हमें अभी। इंशाल्लाह कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा जल्दी। तो बाहर वाले जो पंखे हैं इनको अभी मैं ये वायर डलवा रहा हूँ। पर्दे वाले पर्दा कर लो। माशाल्लाह ये पंखे जो लगे हुए ना बाहर, इनके लिए ये तार लगा रहे हैं, ये वायर पड़ी है। ये लड़के ने काम शुरू कर दिया इधर, माशाल्लाह। देखें जी, कभी मैं उस्ताद असलम की गाड़ी पे जाता था, उस्ताद असलम के साथ, आज उस्ताद असलम मेरी गाड़ी पे जा रहा मेरे साथ। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल चले। हाँ जी चले, गाना शाना चलाए, फिर जल्दी वापस भी आ जाएंगे। हाँ। नहीं कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा हाँ, रहने देगा। हम जी भी चाचा नुकमान की दुकान पर खड़े हैं, देखें चाचा असलम हमारे साथ आया हुआ था, वो शेव करवाने के लिए गया हुआ है, हम इनका पता कर लें इनका। माशाल्लाह जी ये भाई नगमान की दुकान है, मेरा दोस्त मरहूम ज़ीशान भाई उनकी शॉप है, ये सीलन का काम करते हैं ये। अभी हम जा रहे हैं वापस, असलम भाई का पता करते हैं, वो शेव करवाने के लिए बैठा था नाई के पास, वहाँ जाएंगे उसको उठाएंगे उधर से। असलम भाई फारग हो गए इधर से, काम हो गया, चले अब मिस्त्री बैठे इंतज़ार कर रहे हैं उधर, फ़ोन कर रहे हैं वो। हाँ जी हम जी बाहर निकल आए हैं हमाम से, अभी हम जाएँगे घर। इस हमाम से असलम भाई ने कटिंग कराई है। मनाहल किधर आई बैठी है इधर? यूस भी नहीं आई हो इधर? हाँ भी रेहान आप इधर, असलम भाई आप किधर आके बैठे हुए इधर? गर्मी में एसी में बैठने वाले तो पसीने पसीने। ये आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी? हाँ जी। वो कैसे? आपकी गाड़ी पे ट्राई मारने आए थे। अच्छा। हाँ जी, तो हमने कहा तो क्या आप बोलते हैं मौसम का इंजॉय, झूठे झूठे भी लेने हैं, झूठे भी लेने हैं, जूस भी पीना है, चीजें भी खानी है। हां जी, इसीलिए जो है गर्मी वैसे भी है। हां जी गर्मी है बहुत, हर बार हम जूस पीने गाड़ी पे आते थे। आज रक्षे पे आए, आज आए हैं रक्षे पे। यार वो जूस वाला भी कहता होगा, इसमें एसी लगवा लो। इंशाल्लाह लगवाएंगे एसी, जब 3 व्हील से 4 व्हील होंगे ना फिर इंशाल्लाह एसी भी होगा। हाँ ये बात है, ठीक है यार। वैसे जूस वाला कहता होगा यार ये पहले तो गाड़ी पे आते थे, आज ये रक्षे पे आ गए हैं, तरक्की हो गई है। अच्छा आज कल ना जो ड्यूटा की गाड़ियाँ हैं ना वो हम बहुत लेनी हो या मेहरान लेनी हो, बहुत यार मेहरान वाला ज़्यादा है और उसको मुबारकबाद भी देते हैं, देते हैं क्योंकि पेट्रोल का रेट आप देखते हैं। जैसे मुझे लोग मुबारक दे रहे हैं भाई, मुबारक हो रक्षा लिया आपने। टोयोटा वाली वैसे भी गाड़ी है या कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाती है, बहुत ज़्यादा, और सुजुकी जो है वो कम खाती है, कम खाती है, सही है। तो रक्षा तो मजीद कम खाता है। हाँ जी रक्षा तो मजीद कम खाता है। तो हम जी इधर बैठे हुए हैं पेट्रोल पंप है, ये कौन सा पंप है जी? अच्छा किंग ग्रुप वालों का पंप है,
यहाँ पे बैठे हैं तो ये जूस वाला बाबा जो है हम रोज तकरीबन जब भी शहर आते हैं इससे जूस पीते हैं, तो जूस बन रहा है हमारा बहुत अच्छा जूस बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार जूस है। बच्चे भी आके खड़े हुए हैं साथ देख रहे हैं ये भी तमाशा हम क्या कर रहे हैं, लोग बना रहे हैं। तो आपने बेटा मनाहिल अकरम यूट्यूब का चैनल है, इसको जाके सर्च करना है और अपने आप को देखना है शाम की वीडियो में, आप नज़र आओगे इस वीडियो में, आपकी वीडियो मैंने बना ली है। सर्च कर लोगे, नाम याद रह जाएगा, मनाहिल अकरम ब्लॉग, मनाहिल अकरम ब्लॉग आपने नाम याद रखना है और जाके सर्च करना है, मोबाइल है ना आपके पास, वहाँ पे जाके देखना आपकी वीडियो होगी। आप बात करें कोई, क्या नाम है आपका? सिकंदर। कहाँ से आए हो? इधर पीछे क्या रहा है? अच्छा, ये लड़के क्या लगते हैं आपको, ये बच्चे क्या लगते हैं आपके, ये जो बैठे हैं पीछे? एक मेरा भाई और एक अच्छा एक पड़ोसी है। ठीक है, हम इधर भाई जूस पीने के लिए आए हैं, अच्छा जूस होता है इनका, आपने पिया कभी जूस? मज़ेदार होता है, आपके कहने पे हम पी रहे हैं, वरना हमें नहीं पता इनका जूस मज़ेदार होता है या नहीं, चलो देखते हैं पी के। माशाल्लाह जी, जूस पहुँच चुका है इधर हमारे पास, तो हमने पीना स्टार्ट कर लिया है। हाँ हाँ हाँ, वो उसका आ जाता है अभी, आप पिए, आप मज़े करें, पिए शाह जी सुर करके, आह मज़ा आ रहा है, कितना बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ मनाहिल, आपको मज़ा आया? सही बात है। रेहान आपको मज़ा आया? अच्छा, आपको तो मिलेगा ही नहीं ना। माशाल्लाह जी, बाहर भी पाइप वगैरह लगा दिया, ये देखें यहाँ से तार गुजारी है, ये पाइप जा रहा है ऊपर, तीनों पंखों के कनेक्शन ऊपर हो गए हैं, असर की अजानें भी हो रही हैं। तो मैं शहर गया हुआ था, अभी आया हूँ शहर से, तो ये काम अभी कर रहा है लड़का, तो ये नमाज़ पढ़ के फिर देखते हैं बकाया तार कितनी बची है, इसकी पमाइश वगैरह करते हैं, फिर हिसाब लगाएंगे क्या बना और कितना बिल बना ये तार तार का। देखें जी माशाल्लाह, दिखाएं सामान, ये देखें जी, ये जो कोयल के बंडल जो बचे हैं ना, इसमें थोड़ी थोड़ी तार है, ये पमाइश करेंगे, पमाइश करके फिर इसका हिसाब करेंगे। रखें जी अपना सामान, हाँ ये रैगजीन ना मेरे भाई गाड़ी की फाड़ना है, ये ख्याल करना, ये रैगजीन को नुकसान ना हो ये ख्याल करना आपने, मैं आपको छोड़ के आऊँ आपकी दुकान पर, फिर उधर बैठ के हिसाब वगैरह करें। हाँ हाँ, आप भी बैठें, सब बैठें। हाँ जी मैं जाऊँ, मैं जी उस्ताद इमरान की दुकान पे पहुँच चुका हूँ, उतारें भी अपना सामान, क्या तुसी गंद पाया है मेरी दुकान में। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, क्या हाल है? ठीक है। ये जी आपके कारीगर, और ये आपका सामान, और वो आगे तार, इसकी आप मैच वगैरह करें तो फिर मुझे हिसाब किताब बताएं, ताकि मैं आप ही को बताऊं कि हमारी कितनी तार लग चुकी है और कितनी बच गई है। इमरान भाई ने कहा जी इसकी पमाइश सुबह कर लेंगे, तो चलो ठीक है, ये ऐसे ही रख लें, फिर सुबह इंशाल्लाह इसकी पमाइश करेंगे और फिर बोर्ड वगैरह भी कुछ करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया जी, ठीक हो, मैं जाऊँ अब। हाँ, इजाज़त मुझे। इंशाल्लाह जी, पूरी फैमिली, हमारी फैमिली भी और भाई की फैमिली भी, हम जा रहे हैं जी, हमारा एक कज़न है उनके घर, वहाँ हम वीडियो वगैरह नहीं बनाएंगे, उधर मिठाई देनी है हमने, तो बेगम गई है उधर, अवैस भाई दूध लेने गया हुआ है, उसके इंतज़ार खड़े हैं सभी,